Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chapter number 6, enzymes. इसमें बेटे सबसे पहले हम कुछ definitions और terminologies को पढ़ेंगे and those definitions and terminologies they will assist you to understand the major concepts of enzymes. First of all, metabolism. मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइन ऐसे करते हैं बेटे, अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ. मेटाबॉलिज्म को हमने बेटर डिफाइन किया है अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ. तो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दे आर गोइंग ऑन एंड दे आर कलेक्टिवली ऑल द रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म की टर्म को बेटे, द टर्म मेटाबॉलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मेटाबॉलिज्मास. मेटाबॉलिज्म लिख के ना और उसके साथ एस और लगा देना है. दिस इज द ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज. मेटाबॉलिज्मास इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज. मेटाबॉलिज्मास से ये मेटाबॉलिज्म टर्म डिराइव हुई है एंड इट मीन्स चेंज. And the concept of metabolism was first of all given by Ibn Nafis. Concept of metabolism was given by Ibn Nafis. Ibn Nafis stated that, he said that the body and its parts are always undergoing change. बॉडी के अंदर और उसके पार्ट्स के अंदर हर वक्त चेंजेस चलती रहती हैं. तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इब्न नफीस ने दिया जिन चेंजेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इब्न नफीस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. तो बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन ऑल द टाइम, डिफरेंट प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन जिसमें हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रही है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ग्रोथ का प्रोसेस है. तो डिफरेंट चेंजेस आर ऑलवेज गोइंग ऑन इन द बॉडी. तो वो कलेक्टिवली फिर उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तो दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इब्न नफीस कि बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. उसके बाद बेटे मेटाबॉलिज्म इज कैटेगराइज्ड इंटू एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच बिगर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, बिगर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड. इसमें बिगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड एंड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म. एनर्जी इज यूटिलाइज्ड used
एनर्जी इज़ यूज इन एनाबोलिज्म। इसकी हम एग्जाम्पल बेटे रखते हैं, फोटोसेंसिस इज द एग्जाम्पल, इज ई फोटोसेंसिस, फोटोसेंथिस। फोटोसेंसिस में बेटे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे कंबाइन टुगेदर एंड दे कंबाइन टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर दे कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट, दीज आर द कंडीशंस, एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ग्लूकोज। दे फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब ये बेटे बिगर मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड हियर एंड एनर्जी इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यू नो दैट फ्रॉम द एयर एंटर्स इन टू द लीव्स थ्रू स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टोमेटा आर द पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अंडर सर्फेस लोअर सर्फेस ऑफ द लीव्स। तो उनके ऊपर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है एंड वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स थ्रू द रूट्स दैट वाटर इज देन कंडक्टेड टू द लीव्स। वो भी कंडक्ट हो जाते हैं, ऊपर तक चला जाता है और थ्रू द जाइलम वेसल्स। तो लीव्स के अंदर ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, बट दीज आर द कंडीशंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक्चुअली अब्जॉर्ब्स द सनलाइट, क्लोरोफिल सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और ड्यू टू दैट एनर्जी द रिएक्शन बिटवीन दीज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेक्स प्लेस एंड अल्टीमेटली ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक तो बिगर मॉलिक्यूल बनता है और उसके साथ एनर्जी इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड। दूसरा बेटे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हम बताते हैं कि कैटाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच बिगर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। इसमें बिगर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, बिगर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, बड़े मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड इन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं और एनर्जी रिलीज होती है एंड एग्जांपल इज रेस्पिरेशन। इसके एग्जांपल हम रेस्पिरेशन की देते हैं। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज व्हेन ऑक्सीडाइज्ड C6H12O6 प्लस 6O2 व्हेन ऑक्सीडाइज्ड देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो आप ये देखें बेटे कि कैटाबॉलिज्म में बिगर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। इसकी एग्जांपल है रेस्पिरेशन। इसमें व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन दैट देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस बिगर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो अब ये हमने मेटाबॉलिज्म की दो कैटेगरीज बता दी बेटे। उसके बाद है बेटे कि अब हम मेन असल में बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बॉडीज के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं और उन केमिकल रिएक्शंस में
enzymes are involved in those chemical reactions. Different chemicals, you know, are transformed from one form to another in metabolism. Metabolism mein different chemicals transform hote rehte hain. Different chemicals are transformed in metabolism. To usme enzymes are used. Enzymes ko hum define aise karte hain bete ke enzymes are proteins. Enzymes are proteins and they are biocatalysts. They speed up the chemical reactions and they are not consumed in the chemical reaction. Proteins, they speed up the chemical reactions and are not consumed in the reaction, and they also regulate the chemical reactions. ये हम enzymes के बारे में उसकी definition या उसके बारे में हम बताते हैं enzymes के बारे में. तो अब दो टर्म इस्तेमाल होती हैं बेटे, एक है सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट. सबस्ट्रेट्स आर द मॉलिक्यूल्स एट विच द एंजाइम्स एक्ट. जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइम एक्शन, जब एंजाइम अपना एक्शन कर लेता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एंड दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट. तो जिन पर एंजाइम्स एक्ट करता है वो सबस्ट्रेट, और एंजाइम के एक्शन के बाद जो नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट. उसके बाद है बेटे एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन के होने के लिए चाहिए होती है, दरकार होती है. तो इसमें कोई भी काम होने के लिए यू नो कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी की ज़रूरत होती है. एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. तो अब हमने ये बताया कि रिएक्शंस के होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ द हर्डल, दैट इज़ द बैरियर, कि वो अगर एनर्जी होगी तो वो बैरियर अगर वो कवर होगा तो फिर रिएक्शन होगा. तो दैट एनर्जी इज़ द बैरियर और द हर्डल, एंड दैट इज दैट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज द बैरियर, एंड आफ्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एनर्जी देन रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो इसमें अब जो ये बैरियर होता है, बैरियर इज हायर इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स. ये बैरियर हायर होगा इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स. सबस्ट्रेट को जब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनना होता है, तो ये बैरियर, दिस इज हायर बैरियर, यहां से यहां तक ये एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम्स, और इफ एंजाइम्स आर यूज्ड, अगर एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं तो दिस बैरियर देन बिकम्स लोअर. तो ये बैरियर, ये रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी कम हो जाती है. तो इन द एब्सेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की प्रेजेंस में दिस बैरियर बिकम्स लोअर. इसका मतलब क्या है कि एनर्जी की नीड, एनर्जी कम हो गई है. एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एंजाइम में की मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी. एंजाइम की मौजूदगी में यहाँ तक ये बैरियर कम हो जाते हैं. तो इट मींस दैट द एंजाइम दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी.
एंड हाउ द एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये अब हम देखते हैं कि एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन। ये बेटे बहुत कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ डू एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एंजाइम्स कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं? इसमें बेटे एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन मैनी वेज, कई तरह से ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। दे मे अल्टर, नंबर वन, एंजाइम्स मे अल्टर होता है चेंज कर देना, चेंज द शेप ऑफ द सबस्टेट, द शेप ऑफ सबस्टेट। एक तो उसकी शेप को चेंज करके रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी को कम करते हैं एंजाइम्स, और दूसरा बाय डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सबस्टेट। तो ये सबस्टेट पर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को रोक देती है, डिस्टर्ब होता है रोक देना। तो बाय डिस्टर्बिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सबस्टेट दे लोअर द अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड नंबर थ्री इज बाय ब्रिंगिंग द सबस्टेट इन करेक्ट ओरिएंटेशन होता है समथ, ओरिएंटेशन समथ टू रिएक्ट। तो बाय ब्रिंगिंग द सबस्टेट इन करेक्ट ओरिएंटेशन, ये सबस्टेट को करेक्ट ओरिएंटेशन में भी लेके आते हैं टू रिएक्ट, ताकि वो उस पर रिएक्ट कर सके। तो बाय दीज वेज, दीज आर द वेज बाय विच द एंजाइम्स दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद बेटे बात ये की हुई है कि एंजाइम्स आर कैटेगराइज इन टू टू टाइप्स on the basis of the site where they work। एंजाइम्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाते हैं, on the basis of the site where they work, जहां पे वो काम करते हैं। they are intracellular और extracellular। intracellular आर दोज एंजाइम्स विच वर्क इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर काम करते हैं। एंड extracellular एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स विच वर्क आउटसाइड द सेल। अब इनसाइड द सेल में द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एंजाइम्स which are used in glycolysis. Glycolysis होता है breakdown of glucose. Enzymes used in glycolysis. Breakdown of glucose. Glucose की breakdown के दौरान enzymes work inside the cytoplasm, cell के अंदर काम कर रहे हैं। तो they are intracellular enzymes. Extracellular, the enzymes which work outside the cell, इसमें pepsin enzyme that works inside the stomach में ये काम करते हैं, and trypsin enzyme that works in small intestine,
ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है, नॉट इन द सेल. तो दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम. तो एंड पे बेटे एक और बात की हुई है कि एंजाइम्स आर, ऑल एंजाइम्स आर, ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट्स. ऑल दो स्टेटमेंट हैं ये असल में. नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर वन, ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट्स. कैटालिस्ट्स. और दूसरी स्टेटमेंट है बेटे, ऑल कैटलिस्ट्स आर एंजाइम्स. ये दो स्टेटमेंट है बेटे. इसमें क्वेश्चन ये किया हुआ है कि विच वन फ्रॉम दिस टू इज करेक्ट. विच वन स्टेटमेंट फ्रॉम दिस टू इज करेक्ट. ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट. दिस वन इज करेक्ट कि तमाम एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं. ऑल कैटलिस्ट्स आर नॉट एंजाइम्स बिकॉज सभी कैटलिस्ट एंजाइम नहीं होते. बिकॉज सम मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स वो होते हैं विच आर नॉट एंजाइम्स. ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम्स. आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स वो हैं जो एंजाइम्स नहीं हैं बट दे आर कैटलिस्ट. तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट. ये भी स्टेटमेंट ठीक है. अगर हम इसमें ये कर दें कि ऑल कैटलिस्ट्स आर नॉट एंजाइम्स, अगर यहाँ पे नॉट लगा दें फिर तो ये ठीक हो सकती है, अदरवाइज इट इज़ रोंग स्टेटमेंट. तो ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम, दिस इज़ द रोंग स्टेटमेंट. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक. होप यू गॉट इट. ओके, खुदा हाफिज़.